उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर जैसे बेहद कड़े एक्शन के लिए पहचानी जाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस भी वाहनों के चालान करने में किसी से पीछे रहना नहीं चाहती। चालान काटने की होड़ में नंबर वन रहने की लालच में गौतम बुद्ध नगर नोएडा पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो चर्चाओं में आ गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के रहने वाले एक कार मालिक जिनका नाम है तुषार सक्सेना, उनकी कार का गौतम बुद्ध नगर में चालान होता है, वो भी किस बात को लेकर, कार में हेलमेट ना लगाने को लेकर। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में देखें। जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? तुषार सक्सेना। तुषार जी, ये जो चालान का मामला है, क्या है पूरा ये और कैसे आपको पता चला? ये 9 नवंबर 2023 को मेरे पास एक मैसेज आता है कि योर चालान इज रेडी विदाउट हेलमेट। तो जो ये मेरा चालान कटा है, ये गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने मेरा ये चालान काटा है और 1000 रुपये का चालान है। लेकिन इसमें जो एक अटपटी सी बात है वो ये है कि कार के अंदर हेलमेट का चालान कटा है। तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का भी विषय है और ये सोच का विषय है कि ये जो गलती है वो किसकी आखिर, और जो ये गलती है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप गौतम बुद्ध नगर नहीं गए? नहीं, मैं पिछले 5 सालों से गौतम बुद्ध नगर गया ही नहीं हूँ, ना ही कभी मैं नोएडा गया, ना मैं कहीं गया। तो उसके बावजूद भी ये हुआ तो ये एक जांच का विषय। तो जिस समय की डेट दिखा रहे चालान की, उस समय आपकी गाड़ी कहाँ? वो रामपुर थी, मैं खुद रामपुर में था, मेरी गाड़ी, मैं भी कभी 5 साल से वहाँ नहीं गया और मेरी गाड़ी भी कभी वहाँ नहीं गई।